नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जिंदगी में चल रहे मानसिक तनाव को लेकर। हालांकि मानसिक तनाव के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इसके अलग अलग ग्रहों के कारण, अलग अलग योगों के कारण भी आपको मानसिक तनाव की परेशानी हो सकती है, लेकिन उसमें से एक बड़ा कारण है जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव होना। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पर किसी भी प्रकार से शनि की दृष्टि पड़ रही है या शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं या जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा के नवांश में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो मानसिक तनाव के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, चंद्रमा और शनि का यह संयोग इंसान को मानसिक तनाव के साथ साथ एक अनजाने डर की तरफ भी ले जा सकता है। ज्योतिष की भाषा में इसे विष योग के नाम से जानते हैं। विष अर्थात जहर, यह एक ज्योतिष के खराब प्रभावों में से एक है, जिसकी चर्चा लगभग हर ज्योतिष विद्वान ने की है। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी माता का कारक है। यदि शनि का प्रभाव चंद्रमा पर होगा तो जातक के संबंध अपनी माता से खराब होंगे, माता का स्वभाव भी प्रभावित होगा। मन का कारक होने के कारण चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होने से जातक की मानसिक स्थिति अस्थिर होगी, मानसिक तनाव लगातार बना रहेगा, नींद में भी उसको दिक्कत आ सकती है, अनजाने से डर उसको रह सकते हैं, जल्दी जल्दी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी इसका कारण बन सकता है। और विष योग वालों के लिए एक खास बात और भी देखने को मिलती है कई कुंडलियों में कि विवाह से पहले उनके एक दो प्रेम संबंध अवश्य विच्छेद हो जाते हैं, ये भी विष योग का एक प्रभाव होता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में इस तरह का योग है तो इसका निदान सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कारण कि यदि इंसान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो वो किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं कर सकेगा, और जब किसी काम को ठीक तरह से नहीं कर सकेगा तो अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसके लिए जातक को हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, सरसों के तेल का, शाम के समय अंधेरा होने पर भगवान शंकर की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छे घरों का स्वामी है, अनुकूल है, तो एक मोती रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। मित्रों, इस स्थिति में चंद्रमा के अच्छे से अच्छे उपाय को आजमाना चाहिए, चांदी किसी भी रूप में धारण करनी चाहिए, मां की सेवा पूजा, मां के चरण स्पर्श, मां का आज्ञा पालन करना चाहिए।
ऐसी स्थिति में यदि आप चंद्रमा को अच्छे से अच्छी मजबूती देंगे तो इस प्रभाव से निश्चित तौर पर आप बचे रहेंगे। ये योग चंद्रमा की अच्छी स्थिति को भी बिगाड़ देने की पूरी क्षमता रखता है। इस योग की वजह से आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कई स्थितियों में चंद्रमा भी धन का कारक माना गया है। इस योग के कारण जलीय दुर्घटनाएं होने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए यदि इस प्रकार का कोई योग आपकी कुंडली में हो तो सचेत रहें और इसके उपाय करें, समझदारी के साथ उपाय करें। किसी भी चीज को टेंशन या चिंता के रूप में लेने से उसके प्रभाव बढ़ते हैं। विष योग को ज्योतिष में एक खास परेशानी देने वाला योग कहा गया है। यदि आपकी कुंडली में भी इसके लक्षण हैं तो समझदारी पूर्वक इसके उपाय करें, भगवान शंकर की सेवा पूजा करें, शिव चालीसा, रुद्राष्टक इनका नियमित पाठ करें, श्री राम रक्षा स्त्रोत्र का पाठ करें, शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं। निश्चित तौर पर इस बुरे प्रभाव से आपको बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी और आप आनंदमय जीवन जिएंगे। अपने अगले एपिसोड में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।